बेंटेन सीरीज के पांच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल एलियन। तो देखो मैं बेंटेन की कितनी बार काउंटिंग क्यों ना कर लूं, मेरा दिल नहीं भरता। वो कहते हैं ना, माने ना मन मेरा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो। नंबर 5 पर है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स वही चार हाथ और चार आंखों वाला एलियन जिसका फर्स्ट अपीयरेंस में बेंटेन क्लासिक के वाशिंगटन में देखने को मिला था। सीजन 1 के एपिसोड 2 में जब बेन की फाइट डॉक्टर एनिमो से होती है तब बेन ने फोर आर्म्स के ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था। फोर आर्म्स ने उस मरे हुए मेमथ को अच्छा खासा कूटा था, यहाँ तक कि उसका उसने बुरादा बना दिया था। टेट्रामैन स्पेसिस का चार हाथों वाले एलियन काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। फोरम्स ने अकेले ही केविन 11 को हराया था जिसके अंदर सभी एलियंस की पावर्स थी। फोरम्स चाहे तो ह्यूमंगस सोर तक को डिफीट कर सकता है। फोरम्स के मसल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर डायमंड हेड्स के डायमंड्स एंड बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता है। किसी ने मुझसे कमेंट करके कहा कि जब उसके चार हाथ है चार आंखें, कुछ और भी डबल हो सकता है क्या? नॉटी बॉय। तो देखो यार, मैंने उसे कभी नहाते हुए नहीं देखा है तो मैं नहीं बता सकता। नॉटी बॉय, झूठ बोले कौवा काटे। एंड नंबर 4 पर है वेबिक, टॉक्सिक स्पीशीज का एक जायंट एलियन। भाई मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। वेबिक का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेंटेन सीरीज के डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस की सीरीज में देखने को मिला था जब बेन की वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चली जाती है। और न चाहते हुए अजमत ने ओमनीडिक्स को वापस से ठीक किया, उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को हटाया और एक नए एलियन को दिया था ताकि वो विलगेक्स और विलगेक्स की आर्मी का सामना कर सके। और वो एलियन कोई और नहीं बल्कि वेबिक ही था। वेबिक कितनी हाइट होने के बावजूद भी वो हाइपर स्पेस जंप कर सकता है। अपने दोनों हाथों को मिला के वो पावरफुल कॉस्मिक रे भी रिलीज कर सकता है। वेबिक इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो एक स्मॉल प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अल्टीमेट फॉर्म में आने के बाद वेबिक अपने नॉर्मल हाइट से 10 गुना ज्यादा हाइट तक को भी इंक्रीज कर सकता है। कभी कभी वेबिक की साइज ही उसकी वीकनेस बन जाती है क्योंकि उसकी खोपड़ी पे उगा हुआ एक सींग किसी से भी टकरा जाता है जिसकी वजह से उसको और दूसरों को भी चोट पहुंच जाती है। एंड नंबर 3 पर है क्लॉकवर्क। क्रोनोसेपियन का ये मोटू सा एलियन किसी के भी बचपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि इसके पास टाइम ट्रेवलिंग की पावर्स है। ये एक ऐसी कॉस्मिक टाइम बीम को रिलीज करता है जो कि किसी को भी उसके टाइमलाइन से इरेज कर सकता है। यही एक इसकी सबसे बड़ी पावर है जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। क्लॉकवर्क अल्सो पजेस द क्रोनोकाइनेसिस। इसका मतलब कि टाइम के ऊपर उसका कंप्लीटली कंट्रोल रहता है, तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा देगा वो। एंड इसके बाद नंबर 2 पर आता है सेलेस्टियल सेपियन और एटॉमिक एक्स के कॉम्बिनेशन से बना ये एटॉमिक एक्स। इसकी बॉडी एक रोबोटिक ह्यूमनॉइड है। एलियन एक्स के बाद अगर कोई दूसरा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन का नाम आता है तो वो है एटॉमिक एक्स। एटॉमिक एक्स ने एक चुटकी बजा के विलगेक्स की पूरी चुटकी बजा दी थी। यही समय पता चलता है कि एटॉमिक एक्स कितना ज्यादा पावरफुल है। रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को इरेज कर सकता है, यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, इवन एक नए यूनिवर्स को भी इन्वेंट कर सकता है एटॉमिक एक्स। वो एक ऐसे फ्यूजन ब्लास्ट को क्रिएट कर सकता है जो कि पूरे एंटायर यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि उसकी एक वीकनेस है, वो है एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। जैसा कि हमने बेन 10 के ओमनीवर्स सीरीज में ही देखा था, एटॉमिक एक्स उस क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से बच नहीं पाता है। बाकी तो इसके बारे में आपको पता ही है। एंड इसके बाद नंबर 1 और ऑब्वियसली यार एलियन एक्स है। किसी को भी किसी भी टाइमलाइन से इरेज कर सकता है, पूरी की पूरी रियलिटी को रैप आउट कर सकता है, पूरे स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन एक पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरे की एक लाइफ ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ये। एंड ऑल्सो ही पजेस द टेलीकाइनेसिस एंड माइंड कंट्रोल पावर्स। ये बंदा सिर्फ इमेजिन करने भर तक एक नई यूनिवर्स को भी बना सकता है। क्रोनोसेपियन अनलिमिटेड पावर से पजेस है और बाकी जो भी छोटे मोटे एलियन आते होंगे सब इसी से पजेस हैं। सभी एलियंस का फोर फादर्स का फोर फादर समझ लो एलियन एक्स को। कभी भी न मरने वाला एलियन है ये एलियन एक्स। इसकी बॉडी को देख लो, पूरा का पूरा यूनिवर्स इसकी बॉडी में ही दिखाई देता है। अगर मैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी की बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये इसके दो मियां बीबी हैं, सरेना और बेलकस। ये एडवे बकचोद कहीं के हमेशा बहस करते रहते हैं। इन दोनों को मनाना बहुत ही मुश्किल है। इन दोनों को अगर हम नहीं मनाएंगे तब तक हम एलियन एक्स की पावर को यूज ही नहीं कर सकते हैं, और इनको मनाना मतलब सुसाइड करने के बराबर है। सच को तो अक्कल नाम का चीज ही नहीं इन दोनों के पास। बकचोद कहीं के जब देखो हमेशा बहस ही करते रहते हैं ये दोनों। इनका जब भी अपीयरेंस हुआ ना बेंटेन सीरीज में, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया इनको देख के। फालतू की बात पर ये बहस करते रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं भागता हूं कि एलियन एक्स ने इस वीडियो को देख लिया तो मुझे गायब ही कर देगा। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने?